मुझे ये बताइए, फसना फसाना किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं आपसे पैसा लिया और पैसे को लेकर मैं भाग गई, उसको बोलते हैं फसना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आप मुझे पैसा दे रहे हो और मैं आपको पैसे के बदले प्रोडक्ट दे रही हूँ, वो भी डेढ़ गुना प्रोडक्ट दे रही हूँ, तो वो नहीं कहलाता फसना। और साथ में ये है, अगर आप इसको मानते हैं फसना तो ठीक है, मैं बोलती हूँ हाँ, फसने से अगर घर की गरीबी दूर होती तो मैं फसना। हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जिला है बेमेतरा। आज इसी पावन माटी में जन्मी, पली बढ़ी, खेली कूदी एक ऐसी जबरदस्त लीडिंग लेडी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो बड़े कम समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धूम मचा रही हैं। आपका नाम निकी देवांगन है। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैम मेरा पहला सवाल होगा कि 10+2 करने के बाद आपने कंप्यूटर का कोर्स करा, उसके बाद 4 साल तक कंप्यूटर आपने पढ़ाया स्कूल इंस्टीट्यूट में, फिर जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप चले आई? यस सर, क्योंकि मैं जो है 12 के बाद ITI कोपा की, ITI कोपा करने के बाद जिन संस्था में मैं ITI कोपा की, वहीं जो है मैं टीचिंग पढ़ाने के लिए लग गई एज अ कंप्यूटर टीचर। पढ़ाते पढ़ाते जो है मेरा एक साल, क्योंकि देखिए एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है 12th पढ़ने के बाद कि हमको जो है लाइफ में नौकरी करना है, क्योंकि बचपन से हमारी मानसिकता डाल दी जाती है नौकरी नौकरी नौकरी। तो मैं यहाँ पे नौकरी करके देखी दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैं एक साल तक नौकरी की। नौकरी करने से मेरे को पता चला कि एक्चुअल में नौकरी होता क्या है। फिर जो है दूसरा साल भी निकला क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, घर का खर्च चलाना था, इसलिए जो नौकरी की। दूसरा साल भी नौकरी की, तीसरा साल भी भाई, चौथा साल में बड़ी मुश्किल से की। उसके बाद जो है पांचों साल मेरा पूरा होने वाला था, फिर मेरे को जो है डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के एक मैं जो है सेमिनार में गई, और वहां से देखने के बाद मैं मोटिवेट हुई कि मेरी जैसी लड़कियां वहां पे कार विनर बन रही है, साथ ही लाख इनकम ले रही है, तो मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई सर। जब आप शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कदम रखा, चलिए वो तो मोटिवेशन का बहाव था, आप सेमिनार में गईं, आपको चीज़ें दिखी, लेकिन जब आप एक्चुअल में फील्ड में उतरी होंगी, बहुत सारे रिजेक्शन आपको झेलने को मिलेंगे, बड़ी मुश्किलें आई होंगी आपकी ज़िंदगी में, वो कैसा अनुभव रहा आपका? जी सर, मेन ये है कि बहुत अच्छा अनुभव रहा, और ये है कि अगर हम जिस जगह पे अपना जन्म लिए और वो जगह को छोड़कर अगर हम बाहरी दुनिया में जाते हैं, तो हमको ये कि दुनिया समझ में आती है एक्चुअल में दुनिया होता क्या, और एक एक रुपए का महत्व समझ में आता है। साथ में कि हम अगर बाहरी दुनिया में है तो वहाँ पे कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे लोग दुनिया में है, कैसे दुनिया में जो लोग हैं आपसे बात करते हैं और आपको उसका कैसे आंसर देना है, ये सब कुछ मैंने जो है यहाँ पे जब फील्ड की तो फील्ड के दौरान सीखी। आपके बहुत सारी आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, बहुत सारी आपकी दोस्त होंगी जो कभी ना कभी आपको मिली होंगी, तो एक बात कही होंगी कि निकी देवांगन ये कौन सा फिजूल वाला धंधा शुरू कर दिया, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अच्छा स्कूल में पढ़ा रही थी, कंप्यूटर का अच्छा कोर्स है, अच्छा नॉलेज एजुकेशन है, किस दलदल में जा फंसी? क्या जवाब रहता होगा आपका उनके लिए? सर एक्चुअली मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे को बोले यहाँ पे कि निकी क्या फालतू का काम करिए, लेकिन मैं यहाँ पे उनको बोली सर कि आज जो जैसे कि मेरा